जीरो में बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो क्या बोला था मैंने आपको कि क्वेटा इस बार पीएसएल 2024 में एक अलग ही धमाल करती हुई नजर आ सकती है आप लोगों को। इस बार क्वेटा मेरे भाई पीएसएल 2024 में ये एक स्ट्रांग टीम मानी जाएगी और क्वेटा आपको बहुत अच्छी बहुत तगड़ी टीम आपको उभरती हुई देखने को आप लोगों को मिलेगी। और वही हुआ है मेरे भाई, दो मैच अब तक क्वेटा ने खेली है, दोनों मैच जीत गई है। आज ये मैच नंबर 8 पीएसएल का क्वेटा अभी जीतने वाली है। 60 पैसा इस्लामाबाद यूनाइटेड से अपनी टीम ने एंट्री लिया, 60 पैसा इस्लामाबाद पे अपनी टीम को प्लस किया, इस्लामाबाद को खा करके सीधा क्वेटा प्लस किया और अभी यहाँ पे 15-16-17 पैसे अराउंड अभी क्वेटा फेवरेट लग चुकी है मेरे भाई। तो क्वेटा इस बार आपको एक अलग ही डोमिनेटिंग टीम आपको देखने को मिलेगी। पूरा फुल मार्केट ने बोला था मेरे भाई कि क्वेटा बहुत ही वीक टीम इस बार भी रहेगी, क्वेटा बहुत ही वीक टीम रहेगी और मुल्तान सुल्तान एवरेज टीम रहेगी। और मैंने आपको बोला था कि मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर रहेगी और वहीं पर मेरे भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपको बहुत डोमिनेटिंग टीम या बहुत अच्छा करता हुआ आप लोग को मिलेगा क्वेटा आप लोग को। और सेम वही हो रहा है मेरे भाई, और बैक टू बैक जीत हो रहा है। टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे मेरे भाई। काम देखो मेरे भाई, काम देख लोगे दिल खुश हो जाएगा। एक बार ईमानदारी बोलता रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर चले गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे चले गए तो मेरे भाई चैनल को फॉलो करे बगैर आप लोग वापस नहीं आ पाओगे। तो खैर चलिए बात करते हैं मेरे भाई पीएसएल 2024 मेरे भाई नौवें मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा मेरे भाई मुल्तान सुल्तान बनाम पेशावर जलमी के बीच। और ये मुकाबला मेरे भाई 23 फरवरी को यानी कल भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शाम में खेली जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले मेरे भाई कौन सी टीम टॉस जीती, कौन सी टीम मैच जीतेगी, पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा। आगे बात करूँ उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे सब्सक्राइब का आइकन होगा वहां पर क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे भाई आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन मेरे भाई वीडियो को लाइक नहीं करते मेरे भाई, तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप जैसे जरूरतमंद लोग और भी कुछ लोग होंगे जहाँ तक हम मेरी वीडियो जा सके। और यदि मेरे भाई अगर अभी भी अगर आप लोग मार्केट में इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, अच्छे टिप्पर को सर्च मार रहे हो अच्छा गेम पाने के लिए, मेरे भाई आपका इंतजार खत्म हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है क्योंकि मेरे भाई फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट वहीं पे आती है। और साथ साथ में जितने भी मेरे भाई अदर्स लीग चलती हैं या अदर टूर्नामेंट चलता है या अलग टूर चलता है उन सभी मैचेस का वीडियो बना के यहाँ पे आप लोग के सामने देना, यूट्यूब पे डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर वहाँ पे हर एक मैचेस को कवर करा के आप लोग को दी जाती है। तो जाइएगा फटाफट टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेरे भाई इन दोनों टीमों के अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, यह कि जब भी ये दोनों टीमों में आपस में भिड़ी तो क्या हुआ। तो मुल्तान सुल्तान और मेरे भाई पेशावर जलमी अब तक आपस में कुल 13 मुकाबले खेल चुके हैं जहां पे मेरे भाई मुल्तान सुल्तान ने कुल 10 मुकाबले को जीता है और पेशावर जलमी ने केवल 3 मुकाबले को जीता है। देखा जाए यहाँ पे काफी ही डोमिनेटिंग टीम नजर आती है मुल्तान सुल्तान पेशावर जलमी के सामने। और जिस तरह से मुल्तान सुल्तान का फॉर्म है मेरे भाई अभी वो किसी भी टीम को कुछ समझने नहीं वाली, वो सीधा का सीधा रौंदने वाली है हर एक टीम को जो उसके टीम के सामने आ जाएगी, या वो होम ग्राउंड की बात कर लो या अवे ग्राउंड की बात कर लो या अगले के होम ग्राउंड की बात कर लो। जिस तरह से अभी मुल्तान सुल्तान का एक फॉर्म चल रहा है मेरे भाई वो अभी किसी भी टीम को रौंद सकती है। तो मुल्तान सुल्तान खिलाफ जाना बेवकूफी होगी, लेकिन पेशावर जल में एक ऐसी टीम आपको साबित हो सकती है मेरे भाई जो कि आपको जहां तक आप लोग सोच नहीं सकते वहां से आप लोग को मैच निकालकर एक बड़ा जैकपॉट निकाल के दे सकती है 7 पैसा 8 पैसा 10 पैसा का। तो मेरे भाई यहां पे आप लोग पेशावर को भी आप लोग को एक तरह से पकड़ के चलना होगा एक सिलेक्टेड मैचेस के लिए, किस मैच में पेशावर जल में मुझे ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा पैसा निकाल कर दे। खैर जानेंगे कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी। आगे बात करें सबसे पहले मेरे भाई पिच रिपोर्ट के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कि ये मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली है जो कि मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड होगा, जहां की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए यहां पे टोटल अब तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं पीएसएल के, जहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 7 मुकाबले जीती है और वहीं पर सेकंड बल्लेबाजी करते हुए टीम यानी चेस करते हुए टीम ने कुल 2 मुकाबले को जीता है। वहीं अगर टाई की बात की जाए यहां पे एक भी मुकाबला टाई नहीं रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग की अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वहां पे 175 रन का होता है और वहीं अगर हाईस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहां पे मुल्तान सुल्तान का रहा मेरे भाई 210 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहां पर है मेरे भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 110 रन 10 विकेट के नुकसान पे। वहीं अगर स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम लोग नजर डालते हैं इस मैदान पे तो 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पे 2 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ पे 1 भी बार नहीं लगा है, 170 से 189 का स्कोर यहाँ पे 3 बार लगा है और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे टोटल 4 बार लगा है। देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ पे आपको अगर 180 रन लग गया, 175 से 180 के राउंड अगर मांग चलो अगर यहाँ पर रन लग जाता है
एक बात समझिएगा कि वो मैच ज़्यादा आपको डिफेंड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सेकंड इनिंग में आकर चेस करना 175 रन, 180 रन, 185 रन, 190 रन आप फर्स्ट इनिंग में लगा सकते हो इस मैदान पे, लेकिन सेकंड इनिंग में आकर आपको यहाँ पे चेस करना वही स्कोर काफ़ी ज़्यादा आपको भारी पड़ेगा। आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम यहाँ पे थोड़ी सी डोमिनेटिंग आपको प्लेइंग 11 के बारे में, तो प्लेइंग 11 आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग प्लेइंग 11 देख लीजिएगा। चल मैं बोलता हूँ, मोहम्मद रिजवान, जैनरिक्स, यासिर खान, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, डेविड विले, उस्मान मीर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, सनवाज धानी। और वहीं अगर बात की जाए मेरे भाई पेशावर जर्मी की, तो यहाँ पे सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, टॉम क्लोर कैडमो, रॉबिन पावल, आसिफ अली, आमिर जमाल, लोकी वुड, मोहम्मद मोहम्मद ईशान, वकार सलम खेल, पता नहीं, सॉरी आप लोग प्रोनाउंस कर लीजिएगा, और सलमान इरशाद। ये हो गया दोनों टीमों के मेरे प्रॉबेबल प्लेइंग 11। चलिए बात करते हैं मेरे भाई कौन सी टीम इस मुकाबले का टॉस जीतने जा रही है। तो भाई वो मेरे अनुसार इस मैच का टॉस मेरे अनुसार मुल्तान सुल्तान जीतने जा रही है। मुल्तान सुल्तान इस मैच का टॉस जीत सकती है। वहीं अगर मैच की बात करूं, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे आए हो और अभी तक अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट नीचे सब्सक्राइब का आइकन होगा वहां पे क्लिक कर दो फटाफट, और ऑल पे क्लिक करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि अगर ऑल पे क्लिक नहीं करते हो तो हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप कितना भी सब्सक्राइब कर लो ऑल पे नहीं जब तक क्लिक करोगे वीडियोस की अपडेट आप लोगों को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल को भाई फॉलो कर लेना है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं मैच की, तो मेरे अनुसार इस मैच का मैच विनर मेरे भाई अगेन मुल्तान सुल्तान रह सकती है। मुल्तान सुल्तान इस मुकाबले को जीत सकती है। पर हाँ, फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आपके अनुसार इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल धन्यवाद।